रेप दे इल्जाम लगाने वाली महिला ने बीते दिनी बैंस दे वकील नू डंडे नाल मारन दे मामले चो गलत टिप्पणी करन ते थाना डिवीजन नंबर 5 पुलिस नू शिकायत दित्ती सी, जिस दे आधार ते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंधी महिला ने पत्रकारा नाल गलबात करदे हुए कहा कि जिथे साबका विधायक सिमरजीत सिंह बैंस नू कोर्ट ने भगौड़ा करार दिता है अते पुलिस भगौड़े दोषी नू फड़न दी बजाय उसका साथ दे रही है। इस दौरान उन्हें जिथे दोषियों से कार्रवाई करने की गल कही तो उत्थे ही उन्हें राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा से भी सवाल चुके ने, कहा कि राघव चड्ढा ने सिमरजीत सिंह बैंस नाल समझौता किया है जिसके करके कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें यह भी दोष लगाया कि बीती सरकार समय भी समझौता होया सी। फेसबुक के उत्ते गलत मैसेज फैला मेरी मॉडेस्टी के अगेंस्ट बोलता सी, तो यदि हिम्मत किदा हुई मेरी मॉडेस्टी के अगेंस्ट बोले। बैंसा ने भावें जुत्तियाँ चट्टे सानू कोई मतलब नहीं है, ये कहना मैं जोड़ा भी बैंसा के फक च बोलता वो इदा हों, बैंसा दावे जुत्तियाँ चट्टे जाके सानू कोई मतलब नहीं। मेरी शान के खिलाफ ये कि बोल सकता, ये हों कौन आ? तो मैं कहना कि गुरदीप कौर दिहाड़ी लेंदी है, दिहाड़ी लेंदी हो माँ तो भैन, इस करके इतने लंघता पिया। पहला तो फेसबुक पर बोलिया, फिर मैं कंप्लेट जी सी वीडियो जॉइंट सीपी रवचरण बराड़ तो SHO मधुबाला 6 नंबर थाने के दोनों सेंड की। इन्होंने एक बार बस पूछा कि कौन है मैडम, क्यों बोल रहे हैं? मैं क्या गुरजोत गिल वकील आ, तो कहते कॉन्टैक्ट नंबर। मैं क्या मैं थोड़ू अवेलेबल करा दिनी है, कहते नहीं असं कर लाँगे। उस तो बाद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन्होंने ना एक्शन लैन की वजह के नाल ही दोबारा वो हिम्मत हुई इतों साढ़े को लंघ के कहता दिहाड़ी पै गई, तो फिर मैं इन्हू सोटी लैके इनू दिहाड़ी दी उस दिन, तो दिहाड़ी फिर भज्जिया मेरे अगे अगे, तो फिर सीपी को गया, सीपी को भी मैं ये दसिया, मैं क्या मेरी शान के खिलाफ बोलिया तो तुम कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैं एक्शन लैना पाया। वो दोबारा हिम्मत हुई मैंने बोलन की, है ना? तो फिर मेरा तो एक्शन लैना बंद है, जो मैंने इंसाफ इन्होंने नहीं देना फिर आप इंसाफ आप भी लैन जाते हैं ना। सर हुण पुलिस ने जदों उन्होंने सीपी सर ने कहा कि तुहाडी शान के खिलाफ बोलिया, तुसीं मैनू रिटर्न च दो, रिटर्न च देना सी, तां रिटर्न च दित्ता, तां इहदे ते परचा दर्ज होया।